हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए केएल राहुल ऋषभ कप्तान और हार्दिक होगी उपकप्तान। तो जाने क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर आप भारतीय क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इससे एक दिन पहले एक बुरी खबर सामने आई है। कप्तान केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। BCCI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ऋषभ पंत उनकी जगह पांचों मैच में टीम इंडिया के कप्तानी संभालेंगे। BCCI ने जानकारी देते हुए लिखा, मंगलवार शाम नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए राहुल दाएं हाथ में चोट लग गई। वहीं चेयरमैन गेंदबाज कुलदीप यादव भी T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। पंत भारत के 8वें T20 कैप्टन होंगे। उनके पहले युवेंद्र सहवाग, MS धोनी, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पंत ने 42वें कप्तान होंगे। वहीं हार्दिक पांड्या की ओर टीम का नया उप कप्तान बनाया गया है। पंत को IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का अनुभव है। इससे पहले पंत केएल राहुल के डिप्टी बनाए गए थे। इस सीरीज के लिए रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। इन दोनों के अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। रोहित की जगह राहुल को कप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन अब वह भी चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। ईशान और ऋतुराज करेंगे ओपनिंग। अब केएल राहुल की गैर मौजूदगी में ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ इस सीरीज में ओपनिंग करते दिख सकते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर शेयर अय्यर, चौथे नंबर पर पंत और पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। छठे नंबर पर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जा सकता है। अक्षर पटेल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तेज गेंदबाजी के कमान भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और आवेश खान के हाथों में होगी। वहीं युवेंद्र चहल स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय चयन समिति ने केएल राहुल और कुलदीप यादव के रेजिमेंट के तौर पर किसी खिलाड़ी